सो है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को फिक्स हेड अप के कुछ स्टेप आप लोगों को सीबीटी निकालना सिखाने वाला हूं। ओके, वो भी बहुत ही स्टेप का अंदर। सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाले। इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना, चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ढेर सारा वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे इंस्टा पे भी जाकर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो के आप स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को वैगन को ओपन करना है पिक्सेल ऐप के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ही वैगन को पिक्सेल ऐप के अंदर ओपन कर लिया हूँ। आप लोगों को ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके आप लोगों को फोटो यानी कि मॉडल को ऐड कर लेना है। सो हमारा आज का मॉडल को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो आज हम लोग ये वाला मॉडल का यूज करने वाला हूँ, तो ये वाला मॉडल को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये वाला मॉडल को ऐड करने के बाद ये वाला मॉडल का मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज कर लूँगा, ठीक है। सो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा कटआउट टूल, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। आउटलाइन को क्लिक करके यानी कि आउटलाइन के ऊपर क्लिक करके आप लोग को मॉडल का बाहर का साइड कुछ इस टाइप से एक लाइन को क्रिएट कर लेना, ठीक है। लाइन क्रिएट करने के बाद आप लोग को ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी भी पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ तो आप लोग इसका ब्रश एंड रेजर की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसी टाइप से आप लोगों को सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सही तरीके से इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके, सो इसी टाइप से आप लोगों को सही तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। ओके, अब आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड अरेंज हो चुका है। सो इसी टाइप से आप लोगों को बैकग्राउंड को अरेंज कर लेना है मॉडल से, ठीक है। अब आप लोगों को ये वाला मॉडल यानी कि ये वाला बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को सही तरीके से इसको एडजस्टमेंट करना है। एंड मैं यहाँ पे फिर से राइट पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते फोटो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब सा लग रहा है, क्योंकि इसका हेयर एडिटिंग नहीं हुआ, क्योंकि इसका हेयर कट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को अलग से हेयर पीएनजी को लगा लेना है। तो आप लोगों को हेयर पीएनजी को लगाने के लिए यहाँ पे ऐड फोटो मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके वाला हेयर पीएनजी को आप लोगों को ऐड कर लेना, ठीक है। इसको सही तरीके से इसी टाइप से आप लोगों को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी टाइप से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। रिजर्व टूल के अंदर क्लिक करके आप लोगों को एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका हल्का सा इरेज भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से आप लोगों को एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोग लो राइट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिर से राइट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वाला फोटो के अंदर हेयर पीएनजी लग चुका है, ठीक है। अब आप लोग को एक ही काम करना है यानी कि इसका शर्ट का कलर को चेंज कर लेना है, वो भी सीबी जैसा। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा सीबी इफेक्ट डाल देना है। तो उसके लिए आप लोग को जाना है इफेक्ट टूल के अंदर। ओके, ऐप आप लोग को मिल जाएगा एटास्टिक, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट कोड जाकर आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा फटल वन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आप लोगों के सामने फेड ओपन हो जाएगा। फोटो के हिसाब से इसका फेड को रख देना, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 51, ठीक है। एंड इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके इसको कर लेना इन्वर्ट। ब्रश को सिलेक्ट करके आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्रश कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शर्ट के अंदर इसी टाइप से ब्रश कर लेता हूँ, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से सीबी इफेक्ट को डाल देता हूँ। अभी तक आप लोगों को नहीं लगेगा भाई एक कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, जब मैं कलर ऐड करूँगा ना तब आप लोगों को पता चलेगा ये वाला इफेक्ट कैसे काम करता है। ओके, इस टाइप से फेड को ऐड करने के बाद आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से राइट पे क्लिक कर ही लेता हूँ। अब आप लोग इसका शर्ट का कलर को चेंज कर लेना है। तो शर्ट का कलर को चेंज करने के लिए आप लोग को जाना है ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा बैकग्राउंड का आइकन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। एंड ऐसे आप लोग किसी भी कलर को ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येलो कलर को ले ही लेता हूँ। येलो कलर को लेने के बाद इस टाइप से आप लोग को बड़ा कर लेना है। जाना इसका ब्लेंड टूल के अंदर एंड इसके अंदर से आप लोग को ओवरले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। कर देना आप लोग इरेजर टूल के अंदर क्लिक एंड सेप आप लोग शर्ट एंड चश्मे के अंदर ब्रश कर लेना, इसका हार्डनेस वगैरह को सही करके। तो मैं यहाँ पे इसी टाइप से ब्रश कर लेता हूँ। ओके, सो इस टाइप से आप लोगों को सही तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ओके, अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना एंड फिर से राइट पे क्लिक कर लेना। इस टाइप से कलर को ऐड करने के बाद अब आप लोगों को ये वाला फोटो का फेस को व्हाइट कर लेना है। फोटो का फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा रिटच टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। ओके, ऐप आप लोगों को जाना है सबसे लास्ट का और एंड ऐप मिल जाएगा आप लोगों को स्किन टोन, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐप आप लोगों को ये वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ऑटो पे क्लिक कर लेना है। आप लोगों का फोटो का फेस ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। बिफोर आफ्टर देख सकते कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो इस स्टेप से आप लोग फोटो का फेस को व्हाइट कर पाओगे। ओके, अब आप लोगों को कुछ पीएनजीज को ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके लाइट पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ।
ये वाला मैं लाइट पेन जो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला लाइट पेन जो को ऐड करने के बाद आप लोगों को जाना इसका ब्लेंड टूल के अंदर एंड इसको कर लेना है आप लोगों को स्क्रीन एंड कुछ यहाँ पे आप लोगों को लगा लेना है एंड आप लोगों को डन पे क्लिक कर लेना है ओके। एंड ऐड फोटो के अंदर जाना है एंड ये वाला टेक्स्ट पेन जो को आप लोग को ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड टेक्स्ट पेन जो को आप लोग को यहाँ पे रखना है एंड कर देना है राइट पे क्लिक, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सेल ऐप के अंदर हमारा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। सिर्फ आप लोग ये वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा रिटचिंग कर लेना है एंड फोटो के अंदर ऑयल पेंट डाल लेना, ठीक है। सो दोनों काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करना है। सबसे पहले तो ये वाला फोटो का मैं रिटचिंग कर लूँगा। तो रिटचिंग करने के लिए आप लोग ये वाला फोटो को ओपन कर लेना है लाइट मैप के अंदर। तो लाइट मैप के अंदर ओपन करने के लिए ये वाला फोटो को आप लोगों को पिक्सेल से सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए आप लोगों को सेव इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, फोटो आप लोग गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अब आप लोग ये वाला फोटो को लाइट मैप के अंदर ओपन कर लेना, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे लाइट मैप को ओपन कर लिया। अब आप लोग को ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके ये वाला फोटो एंड एक प्रीसेट मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वाला प्रीसेट को डाउनलोड करके आप लोगों को दोनों चीज़ को ऐड कर लेना है, फोटो एंड प्रीसेट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ही फोटो एंड प्रीसेट को ऐड करके रख दिया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला प्रीसेट को ओपन कर लेना है। प्रीसेट को ओपन करने के बाद ये वाला प्रीसेट का आप लोग सारा सेटिंग को कॉपी कर लेना है, ठीक है। सारा सेटिंग को कॉपी करने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा थ्री डॉट का आइकन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कॉपी सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ओके। अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना है एंड आप लोग को बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप लोग फोटो को ओपन कर लेना है। फोटो को ओपन करने के बाद ऐप आप लोगों को मिल जाएगा थ्री डॉट का आइकन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है एंड नीचे आप लोगों को मिल जाएगा पेज सेटिंग्स, ठीक है। आप लोगों से पेज सेटिंग्स के अंदर क्लिक कर देना है। ऐप आप लोगों को फोटो सीवी जैसा इफेक्ट आ जाएगा कुछ इस टाइप से एंड इसको आप लोग बाद में एडजस्टमेंट भी कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फेस का कलर को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इस टाइप से मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूँगा, उसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब आप लोग को ये वाला फोटो को सेव करना है, ये वाला फोटो के अंदर ऑयल पेंट डाल लेना है। तो फोटो को सेव करने के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा शेयर वाला टूल, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड सेव टू डिवाइस के अंदर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर, ओके। यही वाला फोटो को आप लोग को ओपन कर लेना है टू लीजी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि वाला फोटो के अंदर आप लोग को ऑयल पेंट डाल देना है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो वाला फोटो को मैं टू लीजी एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। सो इसी टाइप से आप लोग फोटो को टू लीजी एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप लोग ये वाला फोटो के अंदर ऑयल पेंट डाल देना है, ठीक है। ऑयल पेंट डालने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा सॉफ्ट स्मज, इसके ऊपर आप लोग फिर से क्लिक कर लेना, ठीक है। कुछ नंबर्स ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने, आप लोग जितना नंबर सेलेक्ट करोगे उतना ही हिसाब से आप लोगों को फोटो के अंदर ऑयल पेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मार्क्स का आइकन का क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आप लोग का इरेजर सिलेक्ट हो जाएगा। आप लोग सेफ ये वाला लिप के अंदर से एंड आग के अंदर से ये वाला इफेक्ट को रिमूव कर लेना है, ठीक है, एंड टेस्ट के अंदर से। सो इस टाइप से आप लोग ऑयल पेंट डाल पाओगे पूरा फोटो के अंदर। सो यहाँ पे देख सकते हैं सीवी एडिटिंग हो जाएगा कंप्लीट। सिर्फ आप लोग ये वाला फोटो के अंदर फेस को स्मूथ कर लेना है। फेस अगर आप लोगों को फेस स्मूथ करना नहीं आता तो इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो पड़ा है चैनल पे, वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वाला वीडियो देख के आप लोग फेस को स्मूथ कर लेना है, ठीक है, एंड आप लोगों को फोटो के अंदर सीवी एडिटिंग आ जाएगा पूरा ही, ओके। फिर भी यहाँ पे फोटो एडिटिंग हो चुका कंप्लीट, फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सेव, इसके ऊपर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना गैलरी के अंदर, ओके। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।